हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल यार दोस्तों, क्या ट्रेलर था यार। गदर एक प्रेम कथा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है दोस्तों 4K के अंदर और डॉल्बी एटमोस साउंड के अंदर। दोस्तों व्हाट अ अमेजिंग ट्रेलर दोस्तों, फिर से ऐसा लग रहा है कि यार गदर 2 इतिहास रचने वाली है। दोस्तों गदर का ट्रेलर देखने के बाद ना मुझे लग ही नहीं रहा यार कि मैं ये 2001 में आई 15 जून की फिल्म को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि गदर 2 का ट्रेलर देख रहा हूं यार। कितना सरप्राइज ट्रेलर था यार, मजा आ गया दोस्तों। मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर। मेरे खुद गूज़बम्स खड़े हैं यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस ट्रेलर को देखने के बाद यार। मजा आ गया, अभी भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने के बाद तो मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए यार। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज की घड़ी आ गई है, आपको पूरी डिटेल दूंगा, वीडियो लंबी होगी, होने दो, लेकिन आपको लाइक कमेंट करते रहना है और कमेंट तो जरूर करना है। और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रेलर मैंने देख लिया है, जी स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब साइट पर ट्रेलर आ चुका है दोस्तों। ट्रेलर की शुरुआत होती है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से, जहां सन्नी देओल अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और धर्म परिवर्तन के लिए उनको बोला जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को बोला जाता है और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के लिए बोला जाता है। सन्नी देओल रुकते नहीं है और सन्नी देओल दोस्तों डायलॉग देते हैं अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला, जो एक एपिक डायलॉग अभी भी है दोस्तों और हमेशा रहेगा। उसके बाद दोस्तों कहानी दिखाई जाती है प्यार मोहब्बत की, जिसमें कैसे एक तलवार वाला सीन है जिसमें सन्नी देओल जो है अमीषा पटेल को बचाते हैं गुंडों से और शायद वहां पे उनसे शादी भी रच लेते हैं, उनकी मांग में सिंदूर भर के दोस्तों घर ले आते हैं और फिर प्यार मोहब्बत शुरू जाती है। उसके बाद सीन होता है पाकिस्तान का, जब अमीषा पटेल जो है यानी कि शकीना भाभी जी हमारी पहुंच जाती है पाकिस्तान और सन्नी देओल अपने बेटे जीते के साथ पाकिस्तान जाते हैं और दोस्तों वहां से शकीना को वापिस लाने के लिए बहुत तैयारी करते हुए जाते हैं और बहुत मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमरीश पुरी जी हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे, अमरीश पुरी जी की कमी खलेगी गदर 2 में, लेकिन दोस्तों उनकी जगह जो दो बड़े बड़े विलन हैं रोहित चौधरी और मनीष वाधवा दोस्तों, ये भी कमाल की एक्टिंग करने वाले हैं और कमाल के एक्टर तो है ही, और विलन की भूमिका में दोनों ने अपना बेस्ट दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर सारे सीन्स होते हैं ट्रेन के, जिसमें कैसे अमरीश पुरी जी के गुंडे जो होते हैं कैसे बदला लेते हैं सन्नी देओल से, और पाकिस्तान में कैसे वो ट्रेन वाला सीन्स दोस्तों, वो ट्रेन सीक्वेंस वाले सीन्स, हेलीकॉप्टर का आना दोस्तों, वो ब्लास्ट होना जो वहां पे गाड़ी ब्लास्ट हुई आपने देखा होगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेन के ऊपर भागते भागते सन्नी देओल कैसे बचाते हैं दोस्तों, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई 720 उस जमाने में तो दोस्तों 4K तो था ही नहीं। 4K के अंदर देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि आज की जनरेशन का यार मैं ट्रेलर देख रहा हूं। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, जो लोग ये कह रहे थे ना कि अनिल शर्मा जी ने आउटडेटेड कंटेंट रिलीज कर रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, कंटेंट टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होगा, VFX कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों आपको बता दूं कि म्यूजिक इस बार जो दिया उत्तम सिंह ने दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक दोस्तों कमाल का है, VFX भी इस ट्रेलर के अंदर कमाल का रखा गया है, हाइव स्टूडियो का VFX है, म्यूजिक रिक्रिएट हुआ है नए वर्जन में दोस्तों, उसको शैलेश सुवर्ण ने किया है और जो कंपनी दोस्तों प्रशांत को प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों। उसके बाद ट्रेलर में लास्ट सीन आता है जिसके अंदर हैंड पंप उखाड़ने वाला सीन दोस्तों, वो तो एपिक सीन है, अगर वो सीन को तो होना बहुत जरूरी था यार, अगर वो सीन इस ट्रेलर में नहीं होता, हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला नारा सीन में नहीं होता तो शायद ये गदर का एक ट्रेलर अधूरा रहता। लेकिन दोस्तों ट्रेलर की क्वालिटी में 100 में से 200% दूंगा यार, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि गदर एक पुरानी फिल्म का ट्रेलर दोस्तों इस बार जो मास्टर एडिटिंग की हुई है जो 4K के अंदर और जो बैकग्राउंड म्यूजिक डॉल्बी एटमोस में किया है दोस्तों, कमाल का यार। ऐसा लग रहा था कि गदर 2 का ट्रेलर देख रहा हूं मैं। ऐसे ट्रेलर देखने के बाद तो जो एक अंदर से देशभक्ति की भावना आई है ना, वो देशभक्ति की भावना अभी आप जाके देखो यार इस ट्रेलर को, आपको मिलेगी ये भक्ति की, ये देशभक्ति की भावना आपके अंदर से जागेगी और आप इस ट्रेलर को देखने के बाद एक ही नारा बोलोगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा दोस्तों। वो एपिक सीन्स इस ट्रेलर के अंदर मिला और सिंपली ये ट्रेलर खत्म हो गया गदर एक प्रेम कथा से। तो दोस्तों ये ट्रेलर कुल मिला के लगभग 2 मिनट का, 1 मिनट 55 सेकंड का ट्रेलर था और उम्मीद कर रहे हैं कि गदर 2 का ट्रेलर दोस्तों जब 9 जून की फिल्म रिलीज होगी और उसके साथ ही अटैच होकर आएगा गदर 2 का भी ट्रेलर, और नहीं तो फिर 15 जून को आएगा 22 साल पूरे होने की खुशी में। अब दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद हो गई है गदर 2 को कोई रोक नहीं सकता। सो दोस्तों ये थी ट्रेलर का एक रिव्यू जो मैंने आपको दिया है दोस्तों। 9 जून को मैं फिल्म देखने जाऊंगा और 15 तारीख को अगर टीजर आता है या 9 तारीख को तो मैं हर खबर आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले यार सन्नी
यानी दिवस से जुड़ी खबरों, बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों और इस वीडियो से आपके अंदर गूज बम्स खड़ा हो गया है तो यार लाइक कमेंट करो यार, और कमेंट करके हिंदुस्तान जिंदाबाद हर कोई लिखेगा, गदर 2 हर कोई लिखेगा, और आप कितने ज्यादा वेट करो गदर 2 के लिए दोस्तों। लाइक कमेंट करो यार, बिना लाइक कमेंट का मजा नहीं आएगा यार। और ये जल्दी ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहली वीडियो होने वाली है, फर्स्ट रिएक्शंस दोस्तों। लाइक कमेंट करके शेयर जरूर करना।